सो हम ये कह रहे हैं कि इंडिया की कल्पना जो है वो हमें ये समझना चाहिए, और मैं जल्दी से तीन रीजन्स की बात करूंगी बहुत ही जल्दी, क्योंकि बार बार जब ये बात उठती है, अभी मैं कहीं गई थी जहाँ एक्चुअली त्रिवेंद्रम गई थी, जहाँ एक साइंस स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि हमें कभी क्यों नहीं सिखाया गया कि कश्मीर का एक्सेशन कैसे हुआ हिंदुस्तान में, हमें स्कूल में ये क्यों नहीं सिखाते, क्यों यही सिखाते हैं कि कश्मीर इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो सवाल बहुत ही गंभीर है, और एक्चुअली ज़्यादा लोग इतिहास नहीं जानते। सीएचएस के टीचर यहाँ मौजूद हैं और सीएचएस के स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद हैं, आप जानते हैं क्यों सीएचएस पे और इतिहास पे इतना बड़ा हमला ये लोग करना चाहते हैं, क्योंकि इतिहास एक बार हम जान गए तो राष्ट्र के सारे रहस्य खुल जाएंगे, राष्ट्रवाद का पोल खुल जाएगा, यही है प्रॉब्लम। तो अगर आप, तो जब हम देखते, जब हम कहते हैं बार बार इंडिया इंडिया, 15 अगस्त 1947 में उस वक्त, उस मोमेंट पे इंडिया जिसे हम कह रहे हैं, उसके कई जगह ऐसे थे, कई रीजन्स ऐसे थे जिनकी अपनी अपने स्वायत्त इतिहास थे, कम्प्लीटली ऑटोनोमस ऑफ द नेशन स्टेट। वो सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ब्रिटिश सरकार के साथ वो डील कर रहे थे, नेगोशिएट कर रहे थे, और उनकी अपनी अपना इतिहास था। लेकिन इस सब को एक तरफ करके इंडियन स्टेट ने एक बड़ा स्टेप लिया कि ये सब हमारा है। अब मणिपुर को लीजिए, मणिपुर को लीजिए, मणिपुर 1947 में, 1947 में, सॉरी कैन यू जस्ट कीप दोस पेपर्स, थैंक्स, एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाया था, एक संवैधानिक राजशाही उन्होंने एस्टैब्लिश की थी विद अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड असेंबली। ये ब्रिटिश के साथ जो नेगोशिएशंस चले थे वो ये हुआ था, बिल्कुल जनतांत्रिक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, एक असेंबली जिसमें लोगों ने चुनाव लड़े, जिसमें चुनाव लड़े लोग, और वो मणिपुर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया था। लेकिन विद इन मंथ्स मणिपुर के राजा को, यानी कि इस हेड ऑफ स्टेट को गिरफ्तार किया गया, और मणिपुर को मर्जर में, मर्जर के लिए ज़बरदस्ती उसको मर्ज किया गया इंडिया के साथ। नागालैंड को देखिए, हैदरी अग्रीमेंट था नागा नेशनल काउंसिल और ब्रिटेन, ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में, और नागालैंड को 10 साल का प्रोटेक्टेड स्टेटस दिया गया, उसके बाद उनको प्लेबिसाइट का हक दिया गया था, लेकिन ब्रिटिश के जाते ही इंडियन राष्ट्र राज्य ने नागा टेरिटरी को अपना डिक्लेयर किया, और शायद सबसे पहला, वन ऑफ द फर्स्ट एक्ट्स ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडियन गवर्नमेंट वाज टू एक्चुअली एयरली बॉम्ब नागालैंड। कश्मीर की कहानी एक्चुअली यहाँ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं कि जो प्लेबिसाइट, जो प्रिंसिपल अपनाया गया बाकी किंगली स्टेट्स के लिए, जैसे जूनागढ़ को ले लीजिए, जूनागढ़ के रूलर मुसलमान थे, लोग हिंदू थे, वो चाहते थे कि वो पाकिस्तान के साथ जाए, लेकिन प्रिंसिपल ये दोहराया गया कि लोग क्या चाहते हैं, और लोगों ने चाहा, क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी था, कि हिंदुस्तान के साथ रहेंगे, तो जूनागढ़ हिंदुस्तान में आ गया, और ऐसे कई और स्टेट्स भी थे। लेकिन अब कश्मीर में ये हुआ कि जो एक्सेशन हुआ पाकिस्तानी, वो ट्राइबल इन्वेजन के बाद, वो एक्सेशन एक शर्त पे हुआ था कि, और कश्मीर आपको, आप जानते ही हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी और हिंदू रूलर, तो वही प्रिंसिपल अपनाया जाना चाहिए था जो जूनागढ़ के साथ हुआ था, नहीं हुआ। और एक्सेशन इस शर्त पे हुआ कि जब इन्वेजन ख़त्म हो जाएगा, जब सिचुएशन शांत हो जाएगी, तब प्लेबिसाइट होगा। तब से आज तक प्लेबिसाइट नहीं हुआ है, और हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में ये माना जाता है कि इंडिया इज इलीगली ऑक्यूपाइंग कश्मीर। एवरीबडी एक्सेप्ट्स इट। लेट अस गो एंड इन्वेड द यूएस, लेट अस गो एंड इन्वेड द यूरोपियन कंट्रीज, बिकॉज वी आर अ ग्लोबल सुपर पावर, एंड दे आर सेइंग कश्मीर इज इलीगली ऑक्यूपाइड बाय इंडिया।
ये क्यों है आप जानते हैं, टेक्स्ट बुक आते हैं या टाइम या न्यूज़ वीक आता है, उसमें जो मैप दिखाया जाता है उसमें हमेशा एक अलग तरह का मैप दिखाया, तो फिर उन कॉपीज को तभी बिल्कुल जलाया जाता है, सेंसर किया जाता है, हमारे पास आते ही नहीं हैं। तो जब दुनिया भर में इलीगल ऑक्यूपेशन की बात हो रही है कश्मीर की, तो हमें सोचना चाहिए कि आज़ादी एक नारा उस तरह का नहीं है, और मतलब बिल्कुल जायज़ नारा है, और अगर कोई आज़ादी का नारा उठाता है कश्मीर से तो हम कम से कम ये समझें कि दुनिया में इंडिया को किस तरह समझा जाता है। इट्स एन इम्पीरियलिस्ट, इट्स एक बिल्कुल एक साम्राज्यवादी देश की तरह माना जाता है, तो क्या हमें इस पे गर्व होनी चाहिए, गर्व होना चाहिए? तो ये तीन, और हम जानते हैं कि जो जनतांत्रिक एस्पिरेशंस है लोगों के तरह तरह के, मतलब या नॉर्थ ईस्ट में या कश्मीर में हो या छत्तीसगढ़ में हो, एक आपसपा जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण वो एक ब्रह्मास्त्र है जिससे कि इंडियन नेशन स्टेट किसी न किसी तरह ऑर्डर को कायम रखता है, सोशल ऑर्डर को कायम रखता है। इट इज़ अ डेली इमरजेंसी, वो एक निरंतर रोज़ाना इमरजेंसी है इन जगहों में जहाँ आपसपा है, और क्योंकि हमारे नाम पे, यानी कि भारत के सिटीजन्स के नाम पे हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ये आपसपा चला रहे हैं, हम सब इसके इनजस्टिस में, इसके अन्याय में हम सब मौजूद हैं। हमारे नाम पे किया जा रहा है कि समथिंग लाइक, आई डोंट नो, 30-40% ऑफ द कंट्री इज अंडर मिलिट्री रूल। जो तो भारत का चेहरा, इंडिया या हिंदुस्तान का चेहरा जो कश्मीर देखता है और नॉर्थ ईस्ट देखता है और छत्तीसगढ़ के आदिवासी देखते हैं, वो है इंडियन आर्मी।